इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी दो वैक्सीन के बारे में जिन्हें इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। जी हाँ, कोरोना की दो वैक्सीन, कोविड 19 की दो वैक्सीन को इंडिया ने अप्रूव कर दिया है हमारे इंडिया के लिए। जी हाँ, ठीक है, तो उन्हीं दो वैक्सीन के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वो कौन सी दो वैक्सीन है उनके बारे में, ठीक है, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके बारे में सब कुछ, मतलब उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो में, उन दो वैक्सीन के बारे में जिन्हें इंडिया ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। और वीडियो को पूरी देख लेना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, आप कुछ भी मिस ना कर पाओ, पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को देखना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो को आगे देखने से पहले अपने सच्चे दिल से कहो, लेट्स क्वेश्चन इट। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं वो दोनों वैक्सीन जो कि इंडिया ने अप्रूव करी है वो कौन सी है, ठीक है। तो वो है कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, ठीक है, और वो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उनको, ठीक है, यहाँ पर मतलब वो क्या करा है, अप्रूव किया है, ठीक है। और जो पहली वैक्सीन है वो है कोविशील्ड, जी हाँ कोविशील्ड, और वो बेस्ड ऑन द वैक्सीन डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका एंड भारत बायोटेक, ठीक है। तो जो पहली वैक्सीन है उसका नाम है कोविशील्ड, और वो किस पे बेस्ड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक पर वो बेस्ड है। और सेकेंड वैक्सीन है उसका नाम है कोवैक्सीन, और वो किस पे बेस्ड है, वर अप्रूव्ड फॉर रेस्ट्रिक्टेड एमरजेंसी यूज। तो जो सेकेंड वैक्सीन है वो एमरजेंसी यूज़ के लिए है, ठीक है। तो ये है हमारी दो वैक्सीन, सबसे पहली है कोविशील्ड और सेकेंड वैक्सीन है कोवैक्सीन। अब मैं आपको बताता हूँ ये दोनों वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, ठीक है, यानी इन ये कितनी इफेक्टिव है, कितनी असरदार है, इनका प्रभाव कितना है, यानी एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन, ठीक है, एफिकेसी ये कितनी इफेक्टिव है, हाउ इफेक्टिव। तो इसके बारे में आप स्क्रीन पर देखो और पढ़ो, ठीक है। नाइदर कोविशील्ड नोर कोवैक्सीन हैज़ कम्प्लीटेड फेज थ्री ट्रायल्स इन इंडिया। तो ना ही कोविशील्ड यानी पहली वैक्सीन, ना ही कोवैक्सीन दूसरी वैक्सीन है, जो दोनों ने जो फेज थ्री है उसको कम्प्लीट नहीं किया था इंडिया में, ठीक है। तो ये क्या है फेज थ्री, तो तीन फेज होते हैं 1-3, उसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, वैक्सीन के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कमेंट में मैं उसका नीचे, मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में मैंने बताया कि वैक्सीन क्या होती है और इसके कितने फेज होते हैं, उसको बनने में इतना समय क्यों लगता है, उसको बनने के जो स्टेप्स होते हैं वो सब मैंने बताया उस वीडियो में। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो और आगे देखो, मतलब इन दोनों वैक्सीन ने फेज थ्री कम्प्लीट नहीं किया इंडिया में, और कोविशील्ड की एफिकेसी की बात करें तो वो 70% है किसके बेस पर, और जो फेज थ्री हुआ था, ठीक है, कहाँ पर, यूके और ब्राज़ील में, इंडिया में नहीं हुआ, यूके ब्राज़ील में हुआ था, उसके बेस पर 70% है इसकी एफिकेसी। और जो सेकंड वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका एफिकेसी डेटा जो है, मतलब वो कितनी इफेक्टिव है, उसका डेटा अभी ऑन गोइंग है, मतलब आएगा, अभी फेज थ्री चल रहा है, मतलब ठीक है, अभी उसको पब्लिक नहीं किया गया है उसके डेटा को अभी। अब मैं आपको बताता हूँ DCGI के वर्ड्स, जी हाँ DCGI, ठीक है, उसके वर्ड्स यानी उसके शब्द, उन्होंने क्या कहा DCGI ने, और DCGI क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, वो है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, ठीक है। वो कौन है, वीजी सोमानी, वो है DCGI, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, उनके क्या शब्द हैं, क्या वर्ड्स हैं, वी विल नेवर अप्रूव एनीथिंग इफ देयर स्लाइटेस्ट ऑफ सेफ्टी कंसर्न। उन्होंने कहा कि हम कोई भी चीज़ अप्रूव नहीं करते हैं, मतलब कोई भी दवाई अप्रूव नहीं करेंगे जब तक, मतलब अगर वो सेफ नहीं है, अगर वो सेफ्टी कंसर्न नहीं है, वो अगर सेफ नहीं है हम सबके लिए, ठीक है, उसमें थोड़ी सी भी कमी है, ठीक है, तो हम उसको अप्रूव नहीं करेंगे, उन्होंने ये कहा। और आगे देखो, वैक्सीन्स आर 110% सेफ, ठीक है, वैक्सीन 100% नहीं, वैक्सीन 110% सेफ होनी चाहिए जब भी वो उसको अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों वैक्सीन जो अप्रूव हुई हैं, ये दोनों वैक्सीन 110% सेफ हैं, और सम साइड इफेक्ट्स तो होते हैं सब वैक्सीन के, ठीक है, जैसे कि माइल्ड फीवर, पेन, एलर्जी, ये सब तो कॉमन क्या है, ये सब कॉमन है, ठीक है, ये सब साइड इफेक्ट्स तो हर वैक्सीन के, तो इसलिए इन्होंने दो वैक्सीन को अप्रूव कर दिया। तो ये कहा हमारे DCGI ने, ठीक है, ये उनके शब्द थे। अब एक छोटा सा ओवरव्यू इन दोनों वैक्सीन का, ठीक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके टाइप की, तो कोविशील्ड का टाइप है वीकेंड वैक्सीन, ठीक है, वीकेंड होती है यानी कमज़ोर होती हैं, और कोवैक्सीन है इनएक्टिवेटी, ठीक है। तो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन के टाइप, ये सब हम बात कर चुके हैं वैक्सीन वाली वीडियो में, ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको देख लेना इसके बाद। तो ये टाइप है, ठीक है। और सेकंड नंबर पर डोज, तो दो डोज दोनों में दिए जाते हैं, ठीक है। और इम्यून रिस्पॉन्स यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है इन वैक्सीन में, यानी जो ट्रायल्स हुए थे उनमें, ठीक है।
तो कम से कम एक साल लग गया ट्रायल्स करने में इसमें, तो ठीक है कोविशील्ड को और कोवैक्सीन को जो फेस वन और टू तो बहुत अच्छा वन और टू तो हो गया था पास, लेकिन थर्ड वो अभी रिवील्ड नहीं करा, ठीक है। और स्टोरेज टेम्परेचर दोनों का क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस, यानी ठंडे ठंडे जगह पर उनको रखा जाता है, इन दोनों वैक्सीन को स्टोर किया जाता है जहाँ पर थोड़ा ठंडा सा टेम्परेचर हो, ठीक है कोल्ड टेम्परेचर हो जहाँ पर। और अब इनकी बात करें प्राइस की, तो जो पहली वैक्सीन है कोविशील्ड उसका प्राइस है 444 गवर्नमेंट के लिए और रुपीज़ 700 से 800 किसके लिए, प्राइवेट मार्केट्स के लिए। और जो कोवैक्सीन है उसका प्राइस अभी रिवील्ड नहीं किया गया है, नॉट रिवील्ड उसका प्राइस, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इन दोनों वैक्सीन का, इनका टाइप, प्राइस, डोजेज, स्टोरेज टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या था, एक छोटा सा ओवरव्यू इन दोनों वैक्सीन का। अब बात करते हैं व्हाट हैपन्स नाउ, यानी अब क्या होगा। वैक्सीन तो अप्रूव कर दी, लेकिन अब आगे क्या होगा, तो आप इसके बारे में स्क्रीन पर देखो। द गवर्नमेंट इज सेट टू एम्बार्क ऑन वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ने सेट कराया कि तो सबसे बड़े इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम, उनमें से सबसे बड़ा प्रोग्राम, ठीक है, उसको सेट करने की गवर्नमेंट सोच रही है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन। विद नियरली 3 करोड़ हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स सेट टू रिसीव वैक्सीन डोजेज इन द फर्स्ट फेज। तो सबसे पहले किसको दी जाएगी वैक्सीन, 3 करोड़ जो लोग हैं हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन, यानी जो डॉक्टर वॉक्टर है, ठीक है, जो काम करते हैं, ठीक है, हेल्थ की केयर करते हैं, ठीक है, उन सबको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की है, ठीक है, उनको सबसे पहले फेज में उन किन्हीं 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। जी हाँ, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊँगा अब। तो ध्यान से सुनो और स्क्रीन पर आप इसके बारे में देख सकते हो। एज पर रिपोर्ट्स वैक्सीन कंसिगमेंट्स विल बी शिप्ड टू ओवर 30 वैक्सीनेशन हब्स। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो वैक्सीन है वो भेजी जाएगी 30 वैक्सीनेशन हब्स को, ठीक है। और द स्टेट गवर्नमेंट विल देन सप्लाई द वैक्सीन शॉट्स टू वेरी सिटीज एंड टाउन्स। तो उसके बाद गवर्नमेंट उसको सिटीज़ और टाउन्स में भेजेगी, ठीक है, वैक्सीन हब, सबसे पहले वैक्सीन हब में आएगी, उसके बाद सिटीज़ और टाउन में उसको गवर्नमेंट भेजेगी। और इन द फर्स्ट वैक्सीन ड्राइव डोजेस विल बी डिस्पैच्ड टू वेरियस हॉस्पिटल्स वेयर हेल्थ केयर वर्कर्स विल बी द फर्स्ट वंस टू गेट वैक्सीनेटेड। तो फर्स्ट वैक्सीन जो डोज है सबसे पहले वो जाएंगे हॉस्पिटल्स में, ठीक है, और सबसे पहले वो किसको दिए जाएंगे, हेल्थ वर्कर्स को, ठीक है, यानी हेल्थ केयर जो करते हैं वो पीपल हेल्थ केयर, ठीक है, उन वर्कर्स को सबसे पहले दी जाएगी ये वैक्सीन। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जाना उन दो वैक्सीन के बारे में जिनको इंडिया ने अप्रूव कर दिया। तो मैंने आपको बताया उन दोनों वैक्सीन का नाम, उनके बारे में उनका ओवरव्यू, ठीक है, हमने बहुत सारी बातें जानी उन दोनों वैक्सीन के बारे में इस वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें वीडियो को, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आप चाहते हो मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें। और मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लेट्स क्वेश्चन इट।